आमरण अनशन पर बैठे अनुबंधन पारा चिकित्सा कर्मियों का हालत अब खराब होते जा रहा है। आज विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मिलने पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आप लोग के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। संबंधित जो पारा चिकित्सा कर्मी है वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम एज ये कहिए कि एक डॉक्टर होने के नाते इनकी जो समस्याएं हैं मैं सुनने के लिए आया था, क्योंकि हमारे क्षेत्र से भी कुछ महिलाएं आमरण अनशन पर है, तो उनसे वार्ता हुई और मैं इन सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग झारखंडी हैं और आपकी मांग भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमारी सरकार आप देख रहे होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी काम करने वाले हैं, उनके दिल में दर्द भी है और हमें लगता है अब तक उनको नहीं बताया गया है आप लोगों के बारे में, इनकी समस्याओं के बारे में। तो हमने सबसे आगे रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग जो दर्द दिया है उसके खिलाफ न रहिए। आज ANM GNM पारा मेडिकल अनुबंधित करके मतलब लोगों को मार दिया झारखंडियों को, और वही लोग आ रहे हैं आज दवा लगाने के लिए। आप समझ रहे हैं मैं किनके बारे में बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, हमारे हम जा रहे हैं आज CM साहब से वार्ता करेंगे और हमारे जो मंत्री हैं उनसे वार्ता करेंगे और एक कमेटी बनाकर कुछ लोग आएंगे और वार्ता करके इस मामला को समाधान करेंगे। इनका तो हड़ताल काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ इस पर बातचीत नहीं हुई? नहीं, तो मुझे तो देखिए, मैं हमें कोई भेजा नहीं है मैडम, मैं पहले एक डॉक्टर हूँ, एक चिकित्सक हूँ, उसके बाद मैं विधायक हूँ। जब ये मामला सामने आ रहा था तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि उनकी समस्याओं से मैं अवगत हूँ और अवगत कराऊँ। तो विश्वास कीजिए कि पहले लेटर दिया गया इरफान जी, सरकार को आगाह किया गया, जिम्मेवारी थोड़ी है। मैं तो बता चुका हूँ आपको कि जानकारी नहीं हो सकता है, तो जब मामला तूल पकड़ता है, बताइए आमरण अनशन में कोई घटना घट जाएगी तो सबके बाल बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी बता रहे थे हमारे साथी कि जिस जगह वो काम करते हैं, जो जहाँ पे वो सेवा देते हैं, जहाँ पे, तो उसी कुर्सी में एक उसी पद पर एक को 70,000 मिलता है और एक को मात्र 15,000। तो ये दोहरी नीति जो है, डेफिनेटली इस पर विचार करना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।